नमस्कार। जीवन में ऐसी मजाक कभी मत करना। मजाक करने का भी तरीका होता है। अगर मजाक आपने इस तरीके से की ना, तो आपको जीवन भर रिग्रेट करना पड़ेगा, जीवन भर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो मजाक करो ना, तो सोच समझ के करना। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मजाक किस तरीके की आपको नहीं करनी चाहिए और किस तरीके की मजाक आपको करनी चाहिए। लोग मजाक मजाक में मखड़ा खड़ा कर देते हैं। लोग हंसी हंसी में अपने लिए दुश्मन पैदा कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है। वो सोचते हैं कि यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, लेकिन मजाक मजाक में पता नहीं कि सामने वाला आपका दुश्मन पैदा हो रहा है। इसलिए मजाक करो ना, तो मजाक भी लिमिट ही होनी चाहिए। और मजाक कैसी होनी चाहिए अभी आप देख लो। मजाक ऐसी होनी चाहिए ना कि सामने वाला भी हंसे और आप भी हंसो। तो ये तो होती है मजाक एंजॉय, कि नहीं यार हम दोनों मजाक कर रहे हैं। आप 10 दोस्त बैठे हो या 5 दोस्त साथ में बैठे हो और सभी हंस रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं, किसी बात को लेकर, किसी मजाक को लेकर, किसी जोक को लेकर और किसी बात को लेकर सब हंस रहे, तो वो तो होती है मजाक। लेकिन मजाक आपके लिए कब गलत साबित हो जाती है ना, वो ये देखिए, जब आप 5 दोस्त बैठे हो और 4 दोस्त हंस रहे हो किसी 5वें फ्रेंड पर, उसे अपमानित महसूस हो रहा है, वो आपके साथ नहीं हंस रहा है, तो समझ लेना कि वो 5वां फ्रेंड आपका दुश्मन बन रहा है। मजाक ऐसी होनी चाहिए ना कि जब सब हंसे, आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो तो सामने वाला भी हंसे और आप भी हंसे। वरना ध्यान रखना, सामने वाला नदे झुका के बैठा है और सामने वाले की आप मजाक उड़ा रहे हो, आप हंस रहे हो, तो ध्यान रखना वो आपके लिए दुश्मन बन रहा है। मजाक मजाक का भी तरीका होता। और फिर आप क्या कहते हो, अरे यार नहीं यार मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था यार, ऐसे नॉर्मली जोक कर रहा था। ये कैसा जोक है, सामने वाले को अपमान फील हो रहा है और आप हंस रहे हो। और आप कह रहे हो मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। What is this? This is not good. This will become a bad for you and you will regret in your future कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे अपना दुश्मन बना लिया। मजाक मजाक। कहते हैं ना कि महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुमने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा क्यों कहा, तो द्रौपदी ने क्या कहा था कि हे प्रभु मैंने तो सिर्फ मजाक में कहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि मजाक ऐसी होनी चाहिए ना, तुम भी हंसो और सामने वाला भी हंसो। लेकिन तुमने तो ऐसी मजाक की थी कि सिर्फ तू हंस रही थी और दुर्योधन अपमानित महसूस कर रहा था, और वही अपमान का बदला दुर्योधन ने तुमसे लिया, उस मजाक का बदला। तो कहते हैं ना कि मजाक कभी कभी आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे मजाक कभी मत करना कि सामने वाले का अपमान हो और आप हंसो। अगर ऐसा आपने किया ना, तो इन फ्यूचर में आप अपने लिए हजारों दुश्मन पैदा कर लोगे। तो किसी का मजाक मजाक में अपमान मत करना, किसी का मजाक मजाक में किसी की हंसी मत उड़ाना, वरना आप तो हंसोगे 4 दोस्तों के साथ बैठकर और 5वां दोस्त अपने आप को अपमानित महसूस करेगा। और ध्यान रखना वो कभी ना कभी इसका बदला अवश्य लेगा आपसे, और जिस दिन आपसे बदला लेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कैसी मजाक की थी, मैंने ऐसी मजाक क्यों की, मैं नहीं करता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो। तो ध्यान रखना मजाक हमेशा ऐसी करना कि सामने वाला भी हंसे और आप भी। ऐसी मजाक कभी मत करना कि सामने वाले को अपमानित महसूस होना पड़े और आप हंसते रहो, तो वह सामने वाला व्यक्ति डेफिनेटली आपके लिए दुश्मन बन जाएगा।